यार्डी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की क्लास में हम देख रहे हैं गूगल ड्राइव के बारे में, और जिसमें हमने कल देखा था क्या गूगल डॉक के बारे में। अभी उसमें काफी चीजें रह गई थी, वो देख लेंगे आज की क्लास, फिर हम आगे चलेंगे। ये सब गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल फॉर्म, गूगल ड्राइव सब हो जाएगा। गूगल फॉर्म जो भी सब होने के बाद से हम आगे काम करेंगे। अगला चलेगा वन ड्राइव, ठीक है? तो आप आ जाइए गूगल एप्स पे, आ जाइए ड्राइव। लिखा हाँ, क्या मैं वो भी बढ़ाऊंगा, आपको टेंशन फ्री रहेगी। न्यू पे गए और यहाँ पे गूगल डॉक पे, गूगल डॉक कैसे मिलता जुलता है? बिल्कुल वीन वर्ड से मिलता जुलता, जो आपने एमएस वर्ड पढ़ते हुए वीन वर्ड उसी से मिलता जुलता बिल्कुल, ठीक है? अब चाहे तो आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेते आइए, तो विंडो आर करके मैं वीन वर्ड से डाटा लेते आता हूँ, ताकि यहाँ पे टाइप ना कर। हो गया, ठीक। अब आप देख सकते हैं। अच्छा बताइए, कल आप लोग जो प्रैक्टिकल किए थे, जैसे बहुत सारी चीजें देखोगे, देखिए यहाँ फाइल पे न्यू हो, मैं कॉपी, या डायरेक्टली किसी को शेयर कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको डायरेक्टली यहाँ से किसी को ईमेल कर सकते हैं। इस फाइल को क्या करते हैं, किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, ठीक है? मूव कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, जो भी करना है। और ये जितना भी काम आप यहाँ करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट सब आपके ड्राइव में सेव हो जाती है, बासी होती है आपके ड्राइव में, 15 GB का स्टोरेज होता है। तो फाइल एडिट में आ जाएंगे, एडिट में आने के बाद अंडो रेडो, तो आप कल बताइए जैसा मैंने अंडो रेडो। व्यू में आ जाइए, व्यू में भी बात हुई थी कि प्रिंट लेआउट में देखना है, रूलर बार दिखाना है, तो रूलर बार यही है जो स्केल की जैसे दिख रहा है, ये रूलर बार है। अगर चाहते हैं नहीं दिखाना तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं दिखाई, और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से आ जाएगा, ये नॉर्मल था। आज इंसर्ट में, इंसर्ट की पढ़ रहे थे हम लोग, तो मैंने सिखाया था आपको कि यहाँ आपका इमेज है, जैसे आप इंसर्ट टाइम में इमेज इंसर्ट करते हैं, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। तो इमेज आप कहाँ से अपलोड करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि आप कंप्यूटर से अपलोड करना चाहते हैं, वेब कैमरा से, या ड्राइव से, या फोटो से, कहाँ से, या कैमरा से रिलेटेड। तो कैमरा से करना, तो कैमरा भी ऑप्शन है, कैमरे क्लिक करेंगे, कैमरे से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम कैमरा ही है आपके, आप लोग के पास नहीं होगा लेकिन यहाँ पे जान जान तो लेंगे, आप लोग कैमरे से आ जाएगा, ठीक है? नहीं आ रहा, इसमें नहीं दिख रहा है, देखिए देखिए दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना? तो ऐसे कैमरे से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान था, ठीक है? या फिर आप क्या कर सकते हैं, इससे नहीं चाहिए आपको हटाइए, आप कहाँ से ले लीजिए, कहाँ से ले लीजिए, आप इंसर्ट पे आइए और कहाँ से ले लीजिए इमेज, और यहाँ से ले लीजिए आप ड्राइव से या कंप्यूटर से, कंप्यूटर से आप मुझे कहाँ है सिलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया, चीजें यहाँ इंसर्ट हो जाएंगी, देखिए इंसर्ट हो गई ना। अब आपको ऊपर डिपेंड करना है, सिलेक्ट करके डिलीट करना है, डिलीट करिए, या मूव कराना है मूव कराइए, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आप जाते हैं, मैंने डिलीट कर दिया, हट गया, ठीक है? इमेज जान के टेबल जान रही है आप, जैसे हम वहाँ पे वर्ड में आप टेबल ले रहे थे, नंबर आप जो भी टेबल लेना था देखे वैसे यहाँ पे। ड्राइंग वाला है नया करना है, वो भी करना, चार्ट वाला है, बार कॉलम लाइन पाई चार्ट जो भी है, इमोजी है वहाँ शॉर्टकट की होगी विंडो के साथ, फुल स्टॉप, यहाँ इमोजी पे क्लिक करेंगे तो इमोजी आ जाएंगे, यहाँ बहुत सारे इमोजी आ जाएंगे, जो इमोजी आपको चाहिए होंगे तो यूज आप क्या करिए कर सकते हैं, और ले लेंगे शर्ट में, हाँ बता देख रहे ना, इमोजी आ रहे हैं ना यहाँ पे, इमोजी आप बहुत सारे आएंगे, यहाँ जो इमोजी चाहिए आपको इमोजी ले लीजिए, ठीक है? देख रहे हैं ऐसे बदल बदल के सारी चीज, फूड एंड ड्रिंक है, खाने वाला है, गाड़ी और वो वाला है, व्हीकल्स वगैरह, जैसे ही इमोजी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप इमोजी क्या करती है, वहाँ पे शॉर्टकट की होती है। क्या एमएस वर्ड में क्या शॉर्टकट की बताया, विंडो के साथ, विंडो के साथ फुल स्टॉप क्या दबा देंगे, विंडो के साथ फुल स्टॉप दबा देंगे तो यहाँ पे जाएगा इमोजी, एमएस वर्ड में इमोजी लाना है, विंडो के साथ फुल स्टॉप दबा, देखिए आ गया ना इमोजी, आ गया ना, तो ऐसे आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें काम नहीं है, वापस चलते हैं, ठीक है? इस वक्त आ गई, उसके बाद से इंसर्ट में वापस आ जाइए, ऐसे बहुत सारे, देखो फुट नोट इंडो नोट पढ़ाए हैं ना आप लोगों को, पढ़े होंगे ना आप लोग फुट नोट इंडो नोट,
पढ़े कि नहीं पढ़े हैं फुट नोट रीडर को, बताओ तुम राहुल फुट नोट रीडर को? अरे पढ़ाया गया होगा, याद पढ़ाया नहीं आ रहा बिल्कुल। ठीक है पढ़े, फुट नोट इंडनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी कर सकते हैं। फर्क यही होता है कि फुट नोट इंडनोट का काम यही कह सकता है, फर्क यही होता है हम डॉक्यूमेंट के जिस पेज पे फुट नोट का यूज करते हैं उसका मतलब उसी पेज का जाता है, लेकिन इंडनोट का प्रयोग करें तो बिल्कुल लास्ट में। जैसे देखिए हमने यहाँ पे आ कुछ लिख दिया, यहाँ पे मतलब स्टार्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, एम एस वर्ड में ही देख लीजिए, जैसे हमारे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने कहीं भी स्टार्ट फॉर्म में लिख दिया ओ एस, क्या लिख दिया ओ एस। ओ एस का मतलब आप जानते हो, ओ एस का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन कोई पढ़ते आएगा जरूरी है कि वो भी जानता होगा? नहीं जानता होगा, ऐसे कंडीशन में आप ओ एस को सिलेक्ट करते हैं, आ जाते हैं रेफरेंस में और यहाँ पे नोट लगा देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे कि ओ एस का मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग। बताएगा इससे फायदा क्या होगा कि इन फ्यूचर कभी भी पढ़ने आएंगे लोग जो भी पढ़ रहे होंगे, जैसे ही ओएस के पास आएंगे क्वांटर ओएस पे जाएगा तो यहाँ बता देगा ओएस मतलब क्या होता नंबर है। तो ये देखिए कितने पेज का डॉक्यूमेंट है हमारा, 5 पेज का, कितने पेज का है 5 पेज का। किस पेज पे है, फर्स्ट पेज पे। हमने फर्स्ट पेज पे क्या यूज किया है फुट नोट, जिसकी उसका लुकअप कहाँ आया है उसी पेज के अंत में आया, और बाकी के नीचे नहीं आया हुआ, देखिए कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। लेकिन इसी पेज पे अगर हम फुट नोट की जगह क्या लिखते हैं, इंडो नोट का यूज करते हैं, जैसे मतलब सीव लिख दिया, सीव का मतलब कंट्रोल यूनिट, मतलब सीव का यूज कर दिया और हमने सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या कर दिया फुट नोट पे नहीं इंडो नोट पे क्लिक कर दिया तो नीचे आ गया, यहाँ लिख देंगे हम क्या कंट्रोल। तो अभी भी वही काम, लेकिन क्या फर्क है, अब देखिए कर वो भी रहा है, भी आएंगे सीयू पे तो बताएगा कि कंट्रोल यूनिट है, लेकिन फर्क क्या हुआ कि पहले पेज पे फुट नोट का यूज किए थे उसका लुकअप उसी पेज के अंत में आया, देखिए अपने नेक्स्ट स्टॉप, लेकिन उसके बाद उसी पेज पे कंट्रोल यूनिट का यूज किए हैं उसका लुकअप देखिए तो पहले पेज के अंत में आया है, दूसरे पेज पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, पांचवे पे आया। तो यही फर्क है इंडो नोट फुट नोट में, फुट नोट का प्रयोग जिस पेज पे करेंगे उसका लुकअप उसी पेज के अंत में आएगा, लेकिन इंटरनोट का प्रयोग डॉक्यूमेंट हम किसी भी पेज पे करें उसका मतलब क्या होगा आखिरी पेज के अंत में आएगा, आखिरी पेज के अंत में आएगा, याद रहेगा ना पूरा इंटरनोट। ठीक है वही चीज यहाँ दिया हुआ है, तो दिक्कत आ जाए इंसर्ट में। वाटर मार्क तो पढ़े होंगे आप लोग, कल बताए भी थे कितने टाइप के वाटर मार्क होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन से, पिक्चर और टेक्स्ट, दो टाइप के वाटर मार्क होते हैं। देख लीजिए आप लोग भी लीजिए, वाटर मार्क दो टाइप के होते हैं, ठीक ठीक है देखिए आगे चले। अब है। देखिए दो टाइप का ये भी लिख लीजिए लाइन और, कि एक टाइम पे किसी एक ही वाटर मार्क का यूज कर सकते हैं, एक टाइम पे हाँ किसी एक ही वाटर मार्क का यूज कर सकते या चलिए आगे चले। हाँ तो करके दिखा रहा है, तो एक टाइम पे की वाटर मार्क में क्लिक किया कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा, इमेज और टेक्स्ट, तो पहले इमेज पे आ गए, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक किया, कौन सा इमेज लगाना चाहते हैं, मैंने कोई भी इमेज सिलेक्ट कर लिया। अब इमेज में पूछेगा कि आप वेब कैमरा देना चाहते हैं, फोटोज देना चाहते हैं, गूगल ड्राइव से, तो मैंने क्या किया अपलोड करके दे, मतलब कि सिस्टम से देना चाहते हैं, ब्राउज कर दी, और मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया
अब आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में चीज लग गया हो, देख रहे हैं लग गया है। हाँ अच्छा अगर आपको लग रहा है ये बहुत हल्का लग रहा है, थोड़ा और डार्क होना चाहिए, तो आप डार्क भी कर सकते हैं। कौन सा वाटर मार्क लगाए अभी अभी पिक्चर वाला? यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा नीचे आएंगे ना, यहाँ एक ऑप्शन देगा फेडेड का। फेडेड का मतलब होता है थोड़ा सा वॉश आउट करना, जैसे क्लिक करके और डार्क हो जाएगा। लेकिन इतना भी डार्क नहीं करेंगे, आपकी आपका टेक्स्ट ही ना दिखे, टेक्स्ट तो दिखना चाहिए ना, बहुत ज्यादा डार्क नहीं हो गया है तो क्लिक कर दीजिए, स्टोर तो दिक्कत है। अरे में नहीं पकड़ना। तो मोर ऑप्शन पे जाइएगा, उसमें देखिएगा ऑप्शन दिया है ऑपेसिटी, ऑपेसिटी या ब्राइटनेस तो भी होगा, कंटेंट तो भी दिया होगा, रिकलर करना है, एडजस्टमेंट करना है वो आप सब, ठीक है कर लीजिए, ठीक है कोई दिक्कत है। अच्छा अब हम तो बंद कर दिए, मतलब कि अब हमको क्या जा रहा है, टेक्स्ट पे चले जा रहे हैं। कहाँ चले जा रहे हैं? टेक्स्ट पे, हमको टेक्स्ट वाला करना है, तो क्या करेंगे टेक्स्ट वाले के लिए? तो यहाँ ऑप्शन दिया है इंसर्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, हमने लिख दिया यहाँ पे गायत्री, क्या लिख दिया? और मैंने लिख के क्या कर दिया, या देखो आ गया गायत्री लिख के आ गया, लेकिन देख रहे हो किस कलर में है, तो कलर चेंज करिए। ऑटो है ना, ऑटो दिख रहा है ना यहाँ पे, अब चेंज कर दीजिएगा ऑटो, ठीक है यहाँ पे कलर यहाँ चेंज हो जाएगा, ये कलर वाला। क्या कर दिया रेड कलर, बहुत डार्क दिख रहा है ना। हाँ तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिया, ट्रांसपेरेंसी इसको घटा बढ़ा देंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हो गया ठीक है जनाब पे। हाँ अच्छा किस फॉर्म में दिखा रहा है, डायगोनल दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है? हॉरिजेंटल कर सकते हैं आप, हॉरिजेंटल का मतलब इस तरह हो जाए, देखिए वो दिक्कत है। अच्छा बताइए अभी हमने कौन सा वाटर मार्क यूज किया है, ठीक ऐसे पहले कौन सा था? तो पिक्चर को हमने हटाया था, नहीं अपने आप हट गया, देखिए पिक्चर हट गया और क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया, यानी आपने साफ साफ सीख गए कि हम एक ही टाइम पे किसी एक ही वाटर मार्क का यूज कर सकते हैं, पिक्चर या टेक्स्ट, कोई दिक्कत है क्या? हो जाएगा, साइज को बढ़ाना घटाना हो, जैसे मैंने साइज दिया ना इसको, आप ऑटो है तो 44 करें बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो, या फिर हाँ दूसरे पेज पे चला जाएगा, और या फिर इस पर क्लिक करके आप नाम बता, 36 हो गया देख रहे हो, ऑटो कर देंगे तो ऑटो हो जाएगा, जानता है ऑटो कितना लेना, कोई दिक्कत वो डिटेलिंग जो भी करना बोल हो गया, देखो डिटेलिंग हो गया ये देखो, ठीक है ना, जो करना है आप कर लीजिए, डन करेंगे डन हो जाएगा, बता दीजिए। तो दिक्कत है, ये सारी चीज कहाँ मिली आपको? इंसर्ट, यहाँ तक कि हेडर और फुटर वाली होगा, हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। हेडर और फुटर के बारे में आप तो जानते ही होंगे पहले से, नहीं जानते तो बताइए, मत बोलना रहा हो, बताओ प्रदीप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेडर एंड हेडिंग, हेडर और हेडिंग में क्या अंतर है? तो हेडर होता है वो बता सर, हेडर जो होता है वो भी इस तरह लगता है उसी तरह जी, उसके। बड़ा सुंदर समझाया, उसी तरह और इसी तरह ऐसे समझाओ, तो उसी तरह लगता है और ये सर इसी हेडर जो होता है वो पेज के ऊपर लगता है, ऊपर लगता है, पेज के ऊपर लगता है, तो ठीक। और जो फुटर होता है वो नीचे आता है। हेडर बताइए, मैंने इससे भी पूछा हेडर और हेडिंग क्या, फुटर के बाद हमने किया ही, बताओ तुम राम साहब। हाँ नहीं पता है, हाँ बताओ बाबू नेक्स्ट, पीछे कोई है बताओ बाबू, मतलब अटेंडली हाँ है सर, मतलब हेडिंग बहुत सारा लगता है, हेडिंग नंबरों को मतलब कंटेंट लिखा हुआ है सब तो इसके लिए है, और जो हेडर होता है इसमें नहीं लिखा मेरे दिमाग में हमने नाम लिखा। नहीं पहले कोई बात नहीं, अच्छा कोशिश किए हैं लेकिन थोड़ा सा सही, बस बच्चा हेडर और हेडिंग में फर्क ये होता है कि अगर मान लीजिए हम पहले पेज पे हेडर लगाते, फिर हेडर कहाँ लगता है, टॉप ऑफ द पेज लगता है, मैंने पहले पेज पे क्या लगा दिया, हेडर लगा दिया, अपना ही नाम लिख दिया एस आर वी, ठीक है टॉप ऑफ किस पेज पे लगाए हैं, फर्स्ट पेज पे, देखिए अब क्या होगा,
दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, यानी इसी ओवरऑल सब पे लग गया। लेकिन वही पहले पेज पे हम थोड़ा इंटर कर दिए और यहाँ पे लिख दिए एस आर बी और सोशल लेकर के हेडिंग वन कर दी, हेडिंग लगा दी, ऐसा एस आर बी हेडिंग वन करी किस पेज पे, फर्स्ट पेज पे, क्या दूसरे पेज पे आएगी? तो हेडर हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे करेंगे सारे का अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हेडिंग जिस पेज पे देंगे यही बता, यही बोला, समझ में आ गई बात ना? थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है? वापस चले वर्ड डॉक पे तो इंसर्ट है, तो हेडर और हेडिंग समझ ही, सॉरी हेडिंग और समझ गया ना, हेडर तो फुटर क्या होता है, फुटर भी वही कुछ ऐसा ही होता है, हेडर और फुटर वो अलग बात है पढ़ने वाली बात। अब इमोजी रिएक्शन यहाँ ला सकते हैं आप लोग, इमोजी का रिएक्शन लगाना है, और ये बुक मार्क का है, बुक मार्क जानते हैं यहाँ पर, बुक के मार्क लगाना ताकि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े, मान लो कोई लाइन बड़ी अच्छी लगी, चाहे यहीं तक हम पढ़े हैं, मान लीजिए यहाँ तक मैथ्स टू न्यू लाइन, ठीक पढ़ गए हमने, क्या कर दिया इंसर्ट पे, और हमने क्या लगा दिया बुक मार्क का, बुक मार्क लग गया। अब इन फ्यूचर कभी भी आएंगे तो देखो वहां तो बन गया है, ये देखिए देखो यहाँ पर क्लिक करेगा तो बुक मार्क आ गया है, बुक मार्क बन गया है इसी लाइन में है, ये रहा ग्राफ देख रहे हैं ना, दोनों वहां पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन इसमें बुक मार्क कैसा लगता था बच्चों? इसमें ऐसे लगता था कि आपको कोई और का जहाँ तक पढ़े आपने उस चीज को सिलेक्ट कर लीजिए, बुक मार्क पे क्लिक कर दीजिए, बुक मार्क पे क्लिक कर दीजिए, उसे किस नाम से, मैंने कहा जी आई टी नाम से, और ऐड कर दिए। इन फ्यूचर आप ये भूल जाएंगे कहाँ तक पढ़ गए तो भूल जाएंगे, लेकिन इतना तो याद रहेगा ना, बुक मार्क लगाए, टिक लगाए, बुक मार्क पे आइए, पूछे कहाँ पे, जी आई टी तक, हाँ जी आई टी नाम से सेव है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तुरंत बता देगा यहीं तक, ठीक है? तो दिक्कत, यस सर, ठीक है चलिए। अब आगे चलते हैं, इंसर्ट के अलावा क्या है, फॉर्मेट। अच्छा बताइए इतनी टाइप पढ़ रहे हैं, किसमें बोल्ड इटैलिक वाली बात आएगी, बोल्ड डिटेलिंग, अलाइनमेंट, हाँ क्लियर फॉर्मेटिंग या इंडेंट, किस मेनू में आएगा, सारे मेनू दिए हैं तो बोल्ड करना, इटैलिक करना, अलाइन करना, ये सब क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है, फॉर्मेटिंग, तो किस मेनू में आएंगे, फॉर्मेट मेनू में सारी चीजें अवेलेबल होंगी। देखिए टेक्स्ट से रिलेटेड बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब स्ट्राइक थ्रू सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट जब भी कैपिटलाइजेशन करना है सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है, सारी चीजें अपर के कैपिटलाइजेशन को समझ रहे हैं ना, तीन केस हम लोग पढ़ते हैं, अपर लोअर सेंटेंस के, सेंटेंस को टाइटल का नाम दिया गया है, अपर केस में सारा लेटर कैपिटल होता है, लोअर में सारा लेटर स्मॉल होता है, टाइटल केस यानी सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे, और इसी केस का हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, हम लोग इसी टाइटल केस या सेंटेंस केस या प्रॉपर केस का यूज करते हैं, याद रहेगा, ठीक है? और पैराग्राफ स्टाइल है, बोल्ड इटैलिक हेडिंग वन हेडिंग टू जो भी है ये सारी चीज कर सकते हैं। ठीक है कोई दिक्कत? अब लाइन स्पेसिंग भी दिया हुआ है, लाइन स्पेसिंग क्या है कि आप आराम से लाइन स्पेसिंग बताता है कि दो लाइनों के बीच की जो स्पेस होती है, जैसे दो लाइनें क्यों है ना ये, हाँ इनके बीच की दूरी कितनी है, तो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 1.15 होती है, लेकिन यहाँ दिया भी हुआ है, देख रहे ना, लिख भी सकते हैं आप लोग कि दो लाइनों के बीच की जो दूरी होती है 1.15, देख लीजिए। दिक्कत है वो, अगला एक कॉलम वाला, जैसे ये डाटा जो दिख रहा है आपको, आपको ये बात तो पता होगा जो एमएस वर्ड का जो डाटा होता है कितने रो कितने कॉलम में मिलकर बना होता है, सही आप है राम साहब, लेकिन हाँ लिख लीजिएगा इस बात को,
जो एमएस वर्ड का डाटा होता है, एक दो और एक कॉलम बना होता है, लिखिए कॉपी में। देखिए ठीक है, तो वैसे अगर इसको कॉलम को नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज करना चाहते हैं, इसका चाहते हैं कि हम डाटा को और ज्यादा वो बना सकते, तो आप यहाँ पे आएंगे फॉरवर्ड पे और कॉलम बना दिया है। अब देखिए दो कॉलम हो जाएगा, देखिए दो कॉलम कट, देखिए दो कॉलम हो गया, तीन है तो तीन भी हो जाएगा, ये तीन कॉलम हो गए। कितना हाँ बस अब ज्यादा नहीं होगा, और फिर से नॉर्मल करना है तो नॉर्मल करने, यहाँ तक कि आप लोग नहीं बुलेट्स वगैरह देते हैं डॉट बनाते हैं वो भी चीज यहाँ से कर सकते हैं आराम से। फॉर्मेट में आएंगे और बुलेट ना इस पे आ जाइए, बुलेट्स पे आ जाइए, बुलेट नंबरिंग में बहुत सारे हैं, बुलेट लिस्ट में आ जाइए और यहाँ पे बुलेट लिस्ट बने हुए, जो भी बुलेट्स आपको चाहिए। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना, बुलेट लिस्ट सारी चीज कहाँ मिलेंगी आपको, फॉर्मेट ये लिब्रे ऑफिस में क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मेट मेनू में सारी चीज मिलेंगी, ठीक एक ही करके करना पड़ता है, ऐसे नहीं लगता है ना, जब व्हाट्सएप ले जाओगे सेट पे जाएंगे कर है ठीक सकते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट ले, और आगे कहां पे फॉर्मेट में बुलेट्स में थोड़ा सा इसमें अजीब बना हुआ है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, सब लोग पहली बार तो दिक्कत है क्या, एक बार में एक देखना है सकते हो। ठीक है, तो दिक्कत है बाबू यहाँ तक आसान है कि नहीं आती, कुछ लोगों को अभी भी टाइपिंग नहीं आती है, मेरे गाँव में कुछ लोग ऐसे हैं कि वॉइस मैसेज पे सुनना पड़ता है क्या भेजिए, ओ मैं तो हर की बत्ती आएगी, हाँ समझ रहे हो जैसे आज साल में बात ना, हाँ जैसे नहीं लोग सामने सामने बत्ती आते हैं, लगता है तो ब्लॉक ये हमको भी अजीब लगता है, कर दो पता है क्यों मुझे नहीं, ब्लॉक मजबूरी है कि घर के आसपास के हैं लोग, कुछ ना कुछ लगते हैं मजबूरी होती है, उसमें भी लोग कहेंगे ना एटीट्यूड आ गया बंदे में, तो असल चलो सबसे गुस्सा तब आता है जब पता है टेक्स्ट में है, मतलब चेक मैसेज करो फोन करता है सब तो अरे बेकार लगता है क्या लोग काम जरूरी जान थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट होना नहीं चाहिए, याद रखिएगा समय से समय के हिसाब से किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, परिवर्तन नहीं मतलब कि इंसान को लोचदार होना चाहिए कि हर एक परिस्थिति में चीजों को झेल ले, जैसे आपको आदत है खाली एसी में एक दिन घाम दौड़ा दिया हवा टाइट हो जाए, वही कह रहे हैं, तो वही हाल है इस, या फिर अपनी बॉडी को ऐसा बनाइए कि हर एक टेम्परेचर को हैंडल करे, हर सिचुएशन को हर परिस्थिति में रह सके, गरीबी जीवन मिडिल क्लास के लोग ज्यादा बेहतर क्यों रहते, क्योंकि वो हर परिस्थिति से गुजरे हैं, गरीबी भी झेले हैं थोड़ा बहुत, अमीरी भी देखे हैं, जो अमीर हैं क्यों सुसाइड कर लेते हैं, जब लोग जैसे अगर किसी आर्टिस्ट को मान लो कोविड में क्यों ज्यादातर लोग सुसाइड कर लिए, किसी आर्टिस्ट को आप 10,000 20,000 40,000 का जॉब हो तो करेगा, उसको आदत है करोड़ों का काम करने का, सुसाइड नहीं करेगा क्या करेगा, और याद रखिए बिजनेसमैन हो गया या जो भी लोग अमीर हो गए वो लोग और कर्जे में रहते हैं, तो उनको शौक है ना पैसे से ज्यादा खाना ज्यादा पीना, हम लोग कहावत है कि पैर उतनी पसारी थी अपनी चादर, उस चीज को हम लोग फॉलो करते हैं, उससे ज्यादा ही पसंद वो ज्यादा है। सुबह हाँ चलिए रेलवे ठीक स्टेशन पे आया तो दम से उड़ गया सर पीछे गांव से पहुंच गया था।
चलिए ठीक है, आगे चलें फॉरवर्ड पे। बुलेट समझ में आ गया ना, सिलेक्ट करके कर लेंगे बुलेट्स की नंबरिंग, क्योंकि पेज नंबर का ऑरिएंटेशन, ऑरिएंटेशन कितने होते हैं आप बताएंगे? राम साहब, राम कुमार साहब, ऑरिएंटेशन कितने होते हैं? ऑरिएंटेशन क्या होता है और कितने होते हैं? इसका हिंदी बता। नहीं, इसका हिंदी तो मुझे भी नहीं पता। सच्ची का हिंदी नहीं होता कभी कभी कुछ, ऑनलाइन का हिंदी बताइए, माइनस ऑनलाइन का हिंदी बताइए आपको। ऑरिएंटेशन कितने होते हैं और इसका एमएस वर्ड का जो भी होता है उसका ऑरिएंटेशन कैसा होता है बाय डिफॉल्ट? क्यों? पढ़े एक्सेल क्लास कर लेता हूँ बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा, तुमने नया एडमिशन तभी होता है, दोस्ती यारी में रहेगा, फंडामेंटल क्यों नहीं पढ़े? पढ़ना चाहिए। सर बोले तो पढ़ी सर पढ़ा रहे ठीक है, लेकिन हैं। फिर भी एक्सेल से पहले जितना भी बहुत लंबी क्लास छोड़ी हो तो पढ़िए, बढ़िए। आप बताओ तो ये कौन से तो? मिस्टेक होता एक है, बताओ तुम ही बताओ। बढ़िया, दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। जब भी बताया गया होगा, जब भी माउंटेन की स्क्रीन ऐसी होती है तो पोर्ट्रेट है, और जब ऐसे होंगे तो लैंडस्केप। तो बाय डिफॉल्ट कैसी होती है? पोर्ट्रेट होती है, पोर्ट्रेट होती है। डेस्कटॉप का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, लिख लीजिएगा। जो डॉक होता है, डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक एमएस वर्ड होते हैं, उसका जो ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट के साथ, बाय डिफॉल्ट कौन सा जो अपने आप सेट रहता है, लिख लीजिएगा। एमएस वर्ड का ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता तो पढ़ाई कर दो सब कुछ से है। सब पढ़ाई क्या इसी को चल अभी तो कुछ नहीं, अच्छा पढ़ा चलिए कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? दो। तो देखिए, इसको चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान ध्यान दीजिए, अभी देख रहे हैं नॉर्मल दिख रहा होगा, अभी मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ, देखिएगा एक्सपेंड। देख रहे हैं, फैल गया, हो गया ना, एक्सपेंड हो गया। देखो पूरा नहीं दिख रहा, डॉक्यूमेंट छुप गया है सी वाला, और यही फॉर्मेट पे आके, ओरिएंटेशन पे आके पोर्ट्रेट कर देंगे तो जो सी वाला इम्बेडेड सी दिख रहा है ना, देखिए नॉर्मल हो गया। हाँ, तो अच्छा ऐसे ही काम, सारी चीज कहाँ मिली आपको? फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेटिंग भी यही है, क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की दिया हुआ है कंट्रोल के साथ, बैकवर्ड स्लैश लिख लीजिए, क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट। कहाँ? गूगल डॉक के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की एक कंट्रोल प्लस बैकवर्ड स्लैश बना हुआ, लिख लीजिए गूगल डॉक, लिख लीजिएगा जरूर। बैकवर्ड स्लैश, हो गया हो गया। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अगला टूल्स, टूल्स में कुछ चीजें नहीं है, टूल्स में काफी चीजें दी हुई है इंटरेस्टिंग। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर जानते हैं ना, सॉफ्टवेयर सारी चीजें होती हैं वहाँ। जैसे एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर होता है वो अमेरिका का सॉफ्टवेयर है, वहाँ हिंदी नाम नहीं होते, वहाँ सब क्या होता है इंग्लिश नेम। इसलिए आप देखते होंगे कि अक्सर जब हम टाइपिंग करते हैं तो दो एरर आता है, कभी कभी रेड लाइन बन जाती है नीचे और कभी कभी ग्रीन या ब्लू लाइन। तो ग्रीन ब्लू का मतलब होता है ग्रामेटिकल ईयर होता है, ग्रामर की दिक्कत होती है, जैसे कोई नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखना था आपने इस्तेमाल लिखा, और रेड लाइन बनने का मतलब होता है कि वो वर्ड गलत है उसके हिसाब से। तो स्पेलिंग ग्रामर भी दिया हुआ है सारा, किसमें? टूल्स में दिया, वर्ड काउंट दिया है, वर्ड काउंट की शॉर्टकट लिखी कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इसे क्या होता है वर्ड काउंट से लिख लीजिएगा। एक कंप्लीट डिटेल देता है अबाउट द पेज, एक कंप्लीट डिटेल अबाउट द पेज मतलब कि कंप्यूटर एक पेज के बारे में पूर्ण, मतलब प्योर पूरा जो होता है उसका विस्तार रूप से उसका ब्यौरा देता है उसका रिपोर्ट। ठीक है, क्या क्या है रिपोर्ट में?
देखिए जैसे वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे ये डिटेल मांगेगा, कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें ये मांगता है। लिख लीजिएगा इसको क्या क्या बताता है वर्ड काउंट। हो गया देखिए कंट्रोल शिफ्ट सी बजाए ही तो है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोई दिक्कत है क्या? तो सर टोटल्स में वर्ड काउंट्स होते हैं और डिक्शनरी है और भी, मतलब आप जाइए ओपन करिएगा सब बता, यहाँ तक ही जानते हैं इसमें क्या होता है। वॉइस टाइपिंग होती है, वॉइस टाइपिंग में कल दिखाया था आपको तो? नहीं दिखाते एक, इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल से हटा दिया। अब देखिएगा थोड़ा ये देखिएगा, उसके लिए कैमरा होना चाहिए आपके सिस्टम में, जैसे आप गूगल पे बोलते हो हेलो गूगल सब बोलता है, टाइपिंग होती है ना वैसे ही। देखिएगा गूगल वॉइस टाइपिंग और इस पर क्लिक करिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। यह एक रिमोट सर्वर है जिसको हम आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। है ना बेस्ट ऑप्शन? इसका सॉफ्टवेयर को क्या देख लीजिए हो गया कंट्रोल शिफ्ट यस। है ना बेस्ट ऑप्शन? यार ये अपने कंप्यूटर पे जाकर मत बोलिएगा, उसमें कैमरा वैमरा थोड़ी लगा के वो, मैं देखा था एक बच्चे को बोल रहा था ऐसे करके हेलो गूगल, वैसे हरकतें मत करिएगा। आपको तो टीवी में क्या था रिमोट था हाँ टीवी आता सर रिमोट में टीवी में दिया है बोले बोल रहा था रिमोट से बोले तो हां सर मेरे घर पर ठीक है अच्छी बात। ठीक है तो आज की क्लास में आपको आपका गूगल डॉक क्या होगा, खत्म हो गया। और तुम लीजिए इसी के साथ साथ आप ए भी पढ़ लीजिएगा, आपको क्या ए भी पढ़ लीजिएगा गूगल शीट के बारे में। गूगल शीट ये है ना वो एक्सेल की तरह होता है, इस पर भी काम करके आप मोबाइल बात आ गया है। बड़े दुख की बात है ना। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप गूगल शीट भी कर लीजिए, कर लेंगे ना आप लोग तरीका। मजा आया क्लास पढ़ के आजकल, तो अच्छे से पढ़िए, रिविजन करते रहिए, जो दिक्कत हो रही है आप बेझिझक मुझसे पूछिए, थोड़ा सा अपडेट करिए कुछ तो आप। हाँ प्रोटेस्ट का मतलब होता है सुरक्षा कर, कुछ हमको दिखाओ है ये